नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, केंद्र सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक। मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, पूर्णिया बस स्टैंड के समय डिवाइडर से टकराने पर हुआ हादसा। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में उम्री श्रद्धालुओं की भीड़, प्रमंडलीय आयुक्त ने बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। बांका में बैंक से रुपया निकालकर घर जा रही महिला से बदमाशों ने 40,000 रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। और दो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक कांवड़िया हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भागलपुर में जश्न मनाया और मोदी सरकार के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पर जमा हुए और सबसे पहले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को ऐतिहासिक बतलाया। जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात है। आज जो 70 वर्षों से नासूर की तरह एक देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान जो खटक रहा था, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उस नासूर को हटाने का काम किया है और एक देश के नया विकास की इबारत लिखने का काम किया है। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी और हर्षोल्लास का समय है। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज इतना दिन का जो कलंक था वो आज खत्म हो गया है। पूरे भारतवर्ष में एक झंडा और एक नियम पूरे देश में लागू हो गया है। ये फैसला तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। एक भारत एक संविधान, यही होना चाहिए था, लेकिन आज तक कोई इतना बड़ा फैसला लेने का साहस नहीं किया जो आज नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मोदी कैबिनेट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी। इसके साथ ही देश के उच्चतम न्यायालय का आदेश भी अब जम्मू कश्मीर में मान्य होगा। वहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साह, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, प्रोफेसर इकबाल अहमद, अधिवक्ता सारिक मंजूर, डॉक्टर अजय कुमार सिंह और मनीष सुदर्शन ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। इसको सही कदम हम मानते हैं। सरकार ने जो बहुमत प्राप्त किया था उसमें उनके एजेंडा में था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, अकेले दम पर बहुमत मिलेगा, तो ये संविधान जो दो तरह का, एक अपने देश में दो तरह की बातें चल रही है उसको हम ख़त्म करेंगे, और 370 स्क्रैप करने का नरेंद्र मोदी जी का ये वादा था। इन्होंने बहुत सही कदम उठाया और बहुत सही समय में उठाया है। अभी जिस तरह कश्मीर में आतंकवादी फिर से सक्रिय हो रहे हैं जिसके चलते कि अमरनाथ यात्रा को पोस्टपोन करना पड़ा है, तो अभी बहुत सही निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। ये तो 40-50 साल पहले होना चाहिए था, पर अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आए, और इसमें पूरे देश का हित है, JNK का हित है और पूरे देशवासियों का इसमें हित है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। अगर गवर्नमेंट टेकन ए डिसीजन टू एब्रोगेट द आर्टिकल 370, इट्स अ मोस्ट वेलकम स्टेप एंड वेरी गुड थिंग द गवर्नमेंट हैज डन इट। 370 धारा हटा लेने से ही जम्मू और कश्मीर की समस्या समाप्त होती है, तो सरकार हटा ले। दूसरी बात यह है कि 370 जो धारा है, वह धारा जो राजा उसमें थे हरी सिंह और सरकार के बीच के समझौते की वजह से 370 धारा था, विशेष अधिकार दिया गया था, इसके तहत वो किया गया था। लेकिन सरकार के मन में अगर सारी समस्याओं की जड़ 370 ही है, तो उसके समाप्ति के बाद भरोसा और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घाटी भी ठीक हो जाएगी, रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। और सबसे जो बुरा होने वाला है कि एक दावेदारी जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उसका जो अधिकार जब जताते थे वो अधिकार इससे समाप्त हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 अचानक हटाया गया है वो वहाँ के लोगों के हित में नहीं माना जाएगा, क्योंकि धारा हटाने के बाद कोई भी राज्य के पब्लिक वहाँ जाकर वो ज़मीन ख़रीद सकते हैं, तो वहाँ के लोगों की ज़मीन बिकती चली जाएगी, तो वहाँ के लोग जो किसान हैं और लोगों का विकास नहीं हो सकता है। जिस तरह दूसरे झारखंड में है कि वहाँ की ज़मीन बिक नहीं सकती है अभी भी लागू हो, तो ये पूरे देश में इस तरह के अगर कोई भी धारा हटते हैं तो ऐसे धारा जहाँ दूसरे प्रदेश में है, दूसरे राज्य में, वहाँ भी हटना चाहिए। सिवाय परेशानी के और कुछ होने वाला नहीं। एक राजनीतिक स्टंट है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है ताकि लोगों को इमोशनली अपने तरफ हम उसको करें। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्ट्रेटजी रहा है कि वो जो है जब भी चुनाव होता है तो कुछ ऐसा कार्ड वो खेलते हैं जिससे उनको राजनीतिक फायदा हो। अभी तक तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट कोई कर सकता है, लेकिन मैं अभी तुरंत 5-10 मिनट पहले मैंने टीवी खोला तो देखा कि 370 हटा लिया गया है, तो यह अविश्वसनीय है, अपरिकल्पनीय है। लेकिन जिस हिसाब से मोदी सरकार को मेजोरिटी मिला है वह चाहती है कि कोई भी इस तरह का जो कार्य है जो अधूरा है, लेकिन वो पूरे देश का वो डिमांड है, हिंदू मुस्लिम सभी का डिमांड है कि 370 वहाँ से हटे और ताकि आम पॉपुलेशन भी वहाँ बस सके और इससे बॉर्डर हमारा जो है जो असुरक्षित है उससे सुरक्षित होगा। हम सरकार के इस कदम का बहुत स्वागत करते हैं और यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन आज ये हुआ है। यह तमाम भारतवासियों के लिए हर्ष का दिन है। हम सरकार के फैसले का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। सोमवार की अहले सुबह मुजफ्फरपुर से सिल्लीगुड़ी यात्रियों को लेकर जा रही न्यायरत बस पूर्णिया बस स्टैंड के समीप डिवाइडर से जा टकराया। बस के डिवाइडर से टकराते ही बस में आग लग गई। इस हृदय विदारक घटना में दर्जनों यात्रियों की झुलसकर मौत हो गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद यात्रियों की चीख पुकार से कोहराम मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरा बस जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया SP विशाल शर्मा मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि न्यायरत बस मुजफ्फरपुर से 50 यात्रियों को लेकर सिल्लीगुड़ी जा रहा था। इसी दौरान पूर्णिया बस स्टैंड के समीप चालक ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गया। इसके साथ ही बस में भीषण आग लग गई। बस में सवार कई यात्री खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर निकल गए, जबकि स्लीपर में सोए यात्री की जलकर मौत हो गई। श्रावण मास के तीसरे सोमवारी पर भागलपुर के तमाम शिवालयों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भागलपुर के बाबा विदेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। शहरी क्षेत्र के अलावा विभिन्न जगहों से आए बाबा बूढ़ानाथ के भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर में उमड़ने लगी और सभी शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। मंदिर प्रबंधन समिति के दीपक सिंह ने कहा कि सावन की प्रत्येक सोमवारी पर मंदिर में विशेष पूजा की जाती है, जबकि मंदिर प्रबंधन की ओर से बाबा विदेश्वर नाथ का भव्य श्रृंगार मंदिर के पुजारियों एवं शिव भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सिर नवाया और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। वहीं सावन को लेकर पूरे मंदिर परिसर को कृत्रिम फूलों एवं सजावटी सामानों से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना कीनी पूजा अर्चना करने बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंची, जहां आयुक्त ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान आयुक्त ने सुख समृद्धि की कामना की और बाबा बूढ़ानाथ का आशीर्वाद लिया। आयुक्त ने मंदिर पहुंचते ही श्रद्धालुओं के बीच पूजा अर्चना की। भागलपुर के नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जलार्पण किया। सुबह से ही मंदिर के मुख्य द्वार समेत पूरे मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटी रही और बोलबम के नारे के साथ से भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर बोलबम एवं हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा।
मंदिर के पुजारी माना शुक्ला ने कहा कि नागपंचमी में सावन की सोमवारी का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि सोमवारी पर उपवास का भी विधान है और इसमें शिव भक्त अपनी इच्छा से व्रत भी रखते हैं। बाबा मनस्कामना नाथ को बेलपत्र, गंगा जल समेत कई पूजन सामग्रियों से अभिषेक कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान शिव के वाहन वशाह नंदी की भी पूजा अर्चना की गई। वहीं सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में भी सावन की तीसरे सोमवारी पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी रही। पूरे मंदिर परिसर में देश के विभिन्न राज्यों से आए कांवड़ियों ने बाबा अजगैबीनाथ को जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बोलबम और बाबा अजगैबीनाथ के जयघोष से गूंजता रहा। पूजा अर्चना के बाद कांवड़ियों का रैला बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने देवघर की ओर रवाना हो गए। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर पूरा सुल्तानगंज बाबा भोलेनाथ के रंग में रंगा नजर आया। वहीं भागलपुर के शाहकुंड पहाड़ स्थित ग्रेवरनाथ मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। सुबह से ही ग्रेवरनाथ महादेव की पूजा करने श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुरुष, महिला एवं युवाओं के साथ बच्चों ने भी पहाड़ी पर चढ़कर ग्रेवरनाथ को जलाभिषेक किया। वहीं जगदेशपुर के गोनू धाम में भी सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही गोनू धाम मंदिर में पूजा करने श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुरुष, महिला एवं युवाओं के साथ बच्चों ने भी जलाभिषेक किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका के कटोरिया बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपए की निकासी कर घर लौट रही जीविका दीदी से बदमाशों ने 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कटोरिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि राजबाड़ा गांव निवासी मुकेश शर्मा की पत्नी ममता देवी सोमवार को रुपए की निकासी करने बैंक गई थी। बैंक से 40,000 रुपए निकालने के बाद पीड़ित महिला थैले में पैसे लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने महिला से रुपए से भरा थैला छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद महिला का रो रोकर बुरा हाल है। बांका कटोरिया मुख्य मार्ग पर दो अलग अलग जगह पर हुए सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक कांवड़िया घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए चांधन PSC में भर्ती कराया गया है। वहीं दो कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने देवघर रेफर कर दिया।
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बैंगा पुल के समीप ऑटो और ब्लोरो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो पर सवार 5 कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि चानन कटोरिया मुख्य मार्ग पर गोनोबारी मोड़ के समीप ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। कांवरियों की सेवा के लिए जय माँ तारा कैटरिंग और पार्ले एग्रो बेली कंपनी की ओर से भागलपुर कचहरी चौक के समीप निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में कांवरियों के बीच करीब 2000 बोतल बंद पानी वितरित किया गया, जहां जय माँ तारा कैटरिंग के संचालक भाग चंद्र उर्फ भग्गू भैया ने बताया कि पार्ले बेली के सौजन्य से रविवार को भी शिविर लगाया जाएगा। बांका के चांदन प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान जगदीश पंजियारा के पुत्र दशरथ पंजियारा के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात मृतक शौच के लिए खेत जा रहा था। इसी दौरान सिंचाई के लिए लगाए गए करंट प्रभावित बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। दशरथ की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने कहा कि बिजली की चोरी कर पूरे गांव के लोग सिंचाई के लिए नंगे तार का प्रयोग करके पंप चलाते हैं, जिसकी सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चांदन पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, केंद्र सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक। मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, पूर्णिया बस स्टैंड के समीप डिवाइडर से टकराने पर हुआ हादसा। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में उम्री श्रद्धालुओं की भीड़, प्रमंडलीय आयुक्त ने बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। बांका में बैंक से रुपया निकालकर घर जा रही महिला से बदमाशों ने 40,000 रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। और दो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक कांवरिया हुआ घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।